भी चलिए हमारे साथ घूमने के लिए। जस्सी का भैया मेरे साथ, जिस दिन से वही ना मेरे साथ ही उठती है सुबह सुबह, नानी मुझे उठा लेना, नानी मुझे उठा लेना, अलार्म लगा देती है, एक आवाज लगाती है तभी उठ जाती है मेरे साथ ही साथ, है ना। फटाफट दोनों चलते हैं। वो रबर बिल्कुल वही चप्पल जैसी है ना। हाँ, इससे पे डॉट डॉट है ना, ऐसे उसमें भी डॉट डॉट है। सुंदर है ऐसे ना। हाँ सुंदर है। मेरे पास है ना दो एक जैसी, मेरे पास भी है। अब जब मैं छोटी बनाऊंगी उन्हें ही लगा दिया करूंगी। एक एक दिन इसलिए रोज बढ़ा रहे हो क्या? हाँ अब तो सुन, फ्राइडे तक हो पहले तो। हाँ नहीं तो नहीं बेटा, नहीं बैग लगा दिया, नहीं नहीं जाना नानी, नहीं जाना नानी। देखो तो हमने तुम्हें कैसे रोका। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज फिर से मम्मी ने आप सभी लोगों से बात की। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने उनकी बात करने को इतना प्यार दिया, मम्मी ने जब वीडियो स्टार्ट किया आपको इतना अच्छा लगा, जब उनको कमेंट पढ़ के मैंने बताए, एक एक कमेंट मैंने उनको पढ़कर बताया था कि मम्मी आपके लिए सबने ऐसा बोला है, ऐसा लिखा है, इतना प्यार दिया है, इतना पसंद किया है। तो आज मम्मी का खुद से मन हुआ, उन्होंने गुड्डू को बोला कि चलो गुड्डू आज फिर से ऐसे ही करते हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के प्यार की वजह से आज मम्मी ने शुरू किया। इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, जब मैं उठी तब मुझे पता चला। तो यहाँ पर जो है मम्मी आ चुकी हैं घर पे, और आने के बाद पहले उन्होंने नीचे बासी घर में जो होती है झाड़ू लगाई है, उसके बाद ऊपर वो मशीन रखी हुई है मेरी, तो यहाँ पे आके मशीन लगा दी है। मशीन मम्मी रोज़ाना नहीं लगाती हैं, जिस दिन कपड़े ज़्यादा होते हैं उस दिन लगाती हैं, बाकी दिन वो हाथ से कपड़े धोती हैं। तो आज उन्होंने जो है कपड़े ज़्यादा थे, दो दिन के थे, तो उन्होंने जो है मशीन लगा दी है। तो ये जो रूटीन है मम्मी का, ये उनका घर पे भी यही होता है, मेरे पास भी यही होता है, बहुओं के सामने भी यही होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं रश्मि तुम क्यों करवाती हो, बेटी हो आराम दो, तो मैं उनको बहुत बोलती हूँ बहुत ज़्यादा कि मम्मी मत करो, लेकिन वो बोलती हैं कि मुझे तो ये सब करने की आदत है। फिर वो नाराज़ भी हो जाती हैं कई बार, ये बोल देती है ठीक है मैं जा रही हूँ, फिर मैं नहीं रुकूँगी, मुझे मत बोलो कि मुझे तो आदत है, मेरे से नहीं बैठा जाता। और ये हकीकत है कि मेरी मम्मी अगर बिल्कुल ठीक है, फिट हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। अगर उनको कुछ काम दिख रहा है तो वो करेंगी ही करेंगी, वो मानेंगी नहीं। तो फिर उनको कितना भी आप बोलो फिर वो नाराज़ हो जाएंगी, गुस्सा हो जाती हैं। विपिन भी बहुत बोलते हैं कि मम्मी मत करो, मुझे भी डांट देते हैं विपिन, फिर मम्मी गुस्सा हो जाती हैं कि तुम इसको क्यों डांट रहे हो, इसने क्या मुझसे बोला है। और मैं सो रही होती हूँ जिस वक्त मम्मी ये काम करती है, क्योंकि मम्मी 5 बजे उठ जाती है, 5:30 बजे अगर गुड्डू भी उठ गई है तो ठीक है, वरना गुड्डू के लिए वेट करती है 5:30 बजे तक का। घर पे तो वो अकेली होती है तो 5 बजे उठ जाती है तो 5 बजे चली जाती हैं, 4 उठ जाती हैं 4 बजे, 4:30 उठ जाती हैं 4:30 बजे, लेकिन यहाँ पे वो गुड्डू के लिए वेट करती हैं। तो जब गुड्डू उठती है 5:30 तब वो निकलते हैं, और उसके आधे घंटा उनका घूमना होता है, फिर वो घर आती हैं और इन सब कामों में लग जाती हैं। तो अभी जो है मम्मी जो है नहा ली हैं, कपड़े वगैरह उन्होंने धो दिए हैं, तो नीचे आकर मम्मी ने लगा दिया है जोत, और अब वो बैठ के भगवान जी से थोड़ी सी बातें करेंगी। एक टाइम था जब मेरी मम्मी भगवान जी से नाराज़ हो गई थी, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब
उन्होंने मतलब पूजा पाठ बोलते हैं ना छोड़ दिया था, क्योंकि देखिए पापा भैया एक साथ होना, 3 महीने के अंदर अपने पति और अपने बेटे को खो देने का गम आप सभी समझ सकते हैं। तो मम्मी जो है भगवान से कुछ टाइम के लिए नाराज़ हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे मम्मी को समझ आया कि नहीं ये तो लिखा होता है, ये चीज़ें होनी होती हैं, तो फिर से मम्मी जो है पूजा पाठ में लग गई थी। तो अभी जो है दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मम्मी जो तकियों के कवर या फिर कुछ भी चीज़ उनको दिख रही है तो वो सिल रही हैं कि फिर मैं चली जाऊँगी, जो भी तेरे छोटे मोटे काम, मतलब मम्मी को खुद ही दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बताती हूँ कि मम्मी मेरा ये कर दो या वो कर दो, मम्मी को दिखते रहते हैं और मम्मी लगी रहती हैं कुछ ना कुछ में लगी रहती हैं, कितना भी आप छीन लो बोल लो नाराज़ हो लो कसम दे लो फिर मम्मी गुस्सा हो जाती हैं, अगर उनसे नाराज़ हो या कसम दो तो फिर गुस्सा हो जाती हैं। तो मम्मी ने ना परमानेंट मेरे वाइट कलर के तकियों पर ये कवर चढ़ा दिए हैं, क्योंकि व्हाइट कलर के तकिए थे वो हल्के हल्के से ब्राउन होने लगे थे, धुलने में मुश्किल दे रहे थे, तो मम्मी ने कहा अब ये दिखेंगे नहीं जो हल्के हल्के गंदे हो रहे हैं, अब इसके ऊपर तुम तकिए का कवर चढ़ा दिया करना, जो भी तुम्हारी बेडशीट हो वो। मम्मी तो ये भी कह रही है कि तुम मशीन का इंतज़ाम करो और तुम्हारे गद्दों के कवर भी मैं बना दूंगी, तुम्हें लेने नहीं पड़ेंगे। तो अब देखते हैं हम मशीन, अब आप लोग बोलेंगे मशीन तो मैं लाई थी लेकिन वो मशीन हमने वापस कर दी थी क्योंकि वो ख़राब निकली थी। तो अभी तक जो है मेरे पास कोई सिलाई मशीन नहीं है, वो जो मिनी सिलाई मशीन है वो आप भी जानते हो उससे इतना काम तो नहीं होता है कि एक कवर बनाया जाए डबल बेड के गद्दे का। तो यहाँ पे देखिए अभी मम्मी का जो सिलाई का काम है वो जारी है। अब मम्मी मेरे सारे जो घर के टेडी बियर हैं जो कहीं से भी हो रहे हैं छोटे मोटे, जो भी मम्मी को मतलब आप देख लो नज़र आ रहा है वो मम्मी बस उठा रही हैं और काम कर रही हैं, उठा रही हैं और काम कर रही हैं, फुल ऑन लगी पड़ी हैं। मम्मी बिल्कुल नहीं मान रही हैं, कह रही है बैठे बैठे तो कर रही हूँ, कौन सा मैं घिस रही हूँ, ये है वो है, और मुझे 10 बातें सुना रही है कि तुझे क्या है, क्यों बोल रही है, मेरा घर नहीं है ये, मैं नहीं कर सकती, अपने घर नहीं करती। मैंने कहा मम्मी करो, तो बस मैं यहाँ पर मम्मी को बोलने थी, मैंने कहा मम्मी मैं ऊपर जा रही हूँ जरा और बच्चे बच्चे हैं देख लेना, क्योंकि देखो बच्चों की क्लास चलती है ना फोन देते हैं तो थोड़ा सा वो रहता है, तो मैंने कहा मम्मी ध्यान रखना मैं अभी आ जाऊँगी। तो हमारी मम्मी हरदम काम करती रहती हैं और अभी ये हमें आइडिया दे रही हैं कि अगर ये साड़ी तुम्हें पहननी है और जब तुमने ब्लाउज भी नहीं निकलवाया तो ये लेस उतारो यहाँ से और वहाँ लगाओ ताकि तुम्हारी प्लेट्स पर कम्प्लीट आए। मैं तो ऊपर सूट का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि वो काम भी ज़रूरी था, तो मम्मी जो है नीचे लगी पड़ी है कपड़े ये वो, मुझे भी कपड़े भी चेंज करने हैं और आज मैंने नया वाला लिप शेड लगाया है, अच्छा लग रहा है। तो मम्मी तो लगी पड़ी है कभी इधर कभी उधर, मम्मी ये सोच रही है कि जितना मैं यहाँ पे हूँ 1-2 दिन 3 दिन तब तक मैं जो कर सकती हूँ वो कर, अगर मम्मी का बस नहीं चल रहा, मम्मी का बस चलता ना मम्मी अगले 1 हफ्ते का काम भी निपटा कर जाती कि ये काम इसको अगले 15-20 है मम्मी, अगर बस चलता भाई खाना खूना बना के रख के चली जाती, ले ये तू खा लियो, मूली के परांठे दोबारा से खाने हैं, मुझे मम्मी के हाथ के बहुत गजब लगे थे बहुत ज्यादा। तो अभी मम्मी देखो साड़ी की वो ढेरने भी लग गई, मम्मी मैं तुम्हें काम करने के लिए मना नहीं करती, मना करती है, है? कसम दे दे के नहीं रोकती, रोकती है मैं अपने आप करती हूँ। फिर मेरी मम्मी कहती कसम क्या होती है, क्या होती है ये कसम, मैंने कहा रोकने के लिए होती है ये कसम, पर मम्मी जैसे ही मैं इधर उधर हुई मम्मी बस शुरू, मम्मी से बैठा नहीं जाता अगर कोई काम पड़ा है ना, मम्मी की सबसे बड़ी मजबूरी है। अब मम्मी ये साड़ी कर रही है यहाँ कर देंगी ऐसे लगता, ये देखो ये पूरी, और शाम तक इसको लगा भी देंगी, साड़ी जो हो जाएगी ना अच्छी है ये साड़ी, छोटी साड़ी है, मीशो की साड़ी का ये तो होता है कि छोटी होती है। मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं दाल चेक कर रही हूँ कि दाल गली है कि नहीं गली है, क्योंकि मैंने उड़द चने की दाल थी जिसको उबलने के लिए रखा था लेकिन उसमें हल्की सी कसर रह गई है, तो पानी डाला है और इसको फिर से मैं एक सीटी लगाऊंगी। और यहाँ पे जो मैंने तड़का है वो भी तैयार कर लिया है लहसुन और प्याज का, तो प्याज और लहसुन हो चुके हैं, इस तरह का कलर अच्छा लगता है दाल वगैरह में तड़के के लिए, थोड़ी प्याज कच्ची कच्ची रह जाती है ना वो नहीं अच्छी लगती, पहले मतलब चल जाती थी लेकिन आजकल मुझे इस तरह के प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो टमाटर भी डाल दिया था, उसके बाद मसाले डाल दिए हैं और यहाँ पे जो हमारी दाल है वो बनके तैयार हो गई है, उड़द चने की दाल। उड़द चने की दाल ना अच्छी लग रही है आजकल, आजकल अरहर मलका इतनी अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कई बार बीच बीच में टेस्ट चेंज होता रहता है, तो आजकल हमारे घर में अरहर मलका जो है वो बहुत कम बन रही है, मन ही नहीं कर रहा उस दाल को बनाने का।
तो चावल भी छोंक दिए हैं, बस थोड़ा सा आटा लगाऊंगी और बस फिर उसके बाद जो भी खाने पीने का है वो कर लेंगे। मतलब प्लेट सी लगानी है क्योंकि चावल में सीटी आनी है, कुछ रोटियां बननी है, सलाद वगैरह सब काट दिया है और पेंट का काम अभी भी हमारे घर में चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, 2-3 दिन का और है फिर वो ख़त्म होगा। और ये बाइक भी बाहर पेंट वाले भैयारों की खड़ी हुई है। तो बहुत तेज़ एकदम से बारिश शुरू हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़, मतलब अब तक जो यहाँ पे बारिश पड़ी है ना, ये बारिश उस सब में तेज़ बारिश थी जिसमें सड़क पर भी आप देख रहे होंगे पानी भरा भरा सा हो गया है ना। तो फिर मैंने कहा चलो आज आप लोगों, जिन लोगों को मतलब ये हो रहा है ना रश्मि यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो मैंने कहा वीडियो के ज़रिए उन लोगों को भी बारिश का मज़ा लेने देते हैं। अच्छा लगता है वैसे भी जब इस तरह से बारिश होती है उसको रिकॉर्ड करना। तो अभी जो है यहाँ पे मैं तन्मय का वो कराऊंगी, टेस्ट कराऊंगी क्योंकि इनके टेस्ट शुरू हो गए हैं। क्लास रहती है 1:30 बजे तक, उसके बाद 2:15 बजे के करीब, 2 बजे से ही मैं बैठ जाती हूँ उसको रिवाइज़ वगैरह कराती हूँ, तो वो टेस्ट शुरू हो जाता है, फिर गुड्डू का शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं बस तन्मय को जो है कॉपी में लिख कर दे रही थी उसके क्वेश्चंस वगैरह। तो आज गुड्डू करेगी नानी को क्या करेगी, गुड्डू नानी को दुपट्टा पकड़ा दे, नानी बोल रही है क्या करेगी गुड्डू नानी को, कौन से वाला गुड्डू को 2 दिन से लगा पड़ा है नानी को ये करूंगी ये करूंगी। तो आज फाइनली नानी तैयार हो गई है कराने के लिए। गुड्डू नखून मत मार देना और नेल्स कट कर लो बेटा, वरना मैं कर दूंगी पकड़ के। ओके आज मम्मी का ट्रीटमेंट हो रहा है, गीला गीला है, अच्छा लगता है ये वैसे। तो नानी का फुल ध्यान रखा जा रहा है, पहले फेस मास्क लगा दिया गुड्डू ने, अब नानी को नेल पेंट लगा रही है, कौन से कलर की ली है, गोल्डन कलर की ली है। तो अभी नेल पेंट लगा रही है और जब भी भूमि या गुड्डू मतलब मम्मी को मिलते हैं तब वो नेल पेंट तब वो ही चेंज करते हैं। तो अभी जो है गुड्डू नेल पेंट लगाएगी। मेरा मन नहीं कर रहा है, अभी मेरा सोने का मन कर रहा है। ये नानी के पीछे पड़ रखी थी कई दिनों से, जब से इसे ये दिखाए 2-3 दिन से नानी के लगाऊंगी नानी के लगाऊंगी नानी के लगाऊंगी। एक मेरे लगाया था इसने 1.5 महीने पहले, आपके बर्थडे से 3 दिन पहले। अच्छा इसको ना नहीं मदर्स डे पे लगाया था। अच्छा तो ये देखो इसको ये शौक चढ़ता रहता है, मम्मी मना करी थी, मैंने कहा मम्मी करा लो ना कुछ नहीं होता, क्या है इसे बच्ची भी खुश हो जाएगी। तो फिर मम्मी ने कहा चल लगा, फिर अभी बोल रही थी हाँ और मैं लगवाऊंगी ये वो क्या कहेंगे लोग वाला ना डिमका, मैंने कहा कुछ नहीं कहते लोग, देखो मैंने भी नेल पेंट कल चेंज कर लिया था, मैंने भी लगा लिया था। लेटी हुई हूँ थोड़ी सी नींद सी का हो रहा है तो मैं सोऊंगी, गुड्डू से लाइट बंद करवाऊंगी, थोड़ा सा सोते हैं, बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं बर्तन वगैरह करते हैं और मैं तेल डलवाऊंगी। तेल मेरे को मन करता है मम्मी को देख के बस तेल लगवाती रहूं, तेल लगवाती रहूं, अच्छा लगता है मम्मी के हाथ से तेल लगवा। तो अभी आगे जो आप देखने वाले हो वो एक प्रैंक है जो मैं मम्मी और विपिन के साथ कर रही हूँ, जिसमें मैंने जानबूझकर विपिन से छोटी मोटी सी एक बहस की है, छोटी मोटी लड़ाई हो गई है जिसमें मैं कुछ घंटे 2-2.5 घंटा उनसे बात नहीं कर रही हूँ। तो मम्मी मुझे यहाँ पर वही समझा रही है बहुत देर से, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, हो नहीं पा रही थी, मतलब जैसे आपकी बहस हो रही है, मैं कितनी बार कोशिश की, इस बार भी बड़ी मुश्किल से मैंने ये क्लिप बनाई है। तो आगे आप इसमें रियल आवाज सुनिएगा, आगे मतलब आप देखिएगा मम्मी का रिएक्शन क्या होता है, मैं खुद देखना चाहती थी क्योंकि जैसे कभी बहस हुई भी है तो वो मम्मी के सामने नहीं होती है, विपिन बिल्कुल भी मम्मी के सामने रिएक्ट ही नहीं करते, बोलते ही नहीं अगर कुछ बात हो भी जाए, पहली बात तो ऐसे मम्मी के सामने हो ही नहीं है हमारी आज तक। तो मेरे को देखना था मम्मी क्या बोलती है, क्या मुझे बोलेंगी, क्या विपिन को बोलेंगी, तो वही आप आगे सुनिएगा। से बेचती होती है उनके सामने एक मम्मी ऐसा मम्मी ऐसा, उनकी मम्मी होती तो मैं तो अब ये ही कहूँ उनकी ज़्यादा,
बता उनका कौन है। अच्छा मेरा कौन है? मैं दोनों, तुम तो दोनों की हो ना? अच्छा दोनों की। रोना नहीं है तुम्हें पता है फिर मेरे को वो होगा, रोना नहीं है तुम्हें पता है तुम्हारे रोने में गुस्सा आता है मेरे को, हम फिर को बेचू कर रही है ऐसे। तो फिर उनको बोलो ना तुम्हारा फोन आ रहा है कैंसर की, तो इससे पता कर लेते। मम्मी मैं तुम्हें बुला रही हूँ यहाँ, मम्मी देख लेना फिर आप नहीं आए तो मैं बात नहीं करने की तुमसे कभी भी। मम्मी इधर आओ, मम्मी मम्मी इधर आओ पहले। तभी तो आज तुम तभी तो मान रहे हो। मैं ना इधर आ रही हूँ, चरखी की तरह। ओके मेरी कसम मोबाइल आई तो मेरी कसम है, मैं नहीं बात कर रही इनसे। वो किससे करेगी? तुमसे करूंगी इसलिए बुला रही हूँ। मेरे से करेगी उनसे भी करेगी? मैं इनसे नहीं, मैं ना इनसे बात करूँ। अरे हम बोना सोई तुम दोनों से दिमाग ना तुम। तुम क्या सॉरी बोलोगी? ला दे ना, वैसे खिलाएंगे। मैं नहीं खिला रही, तुम इधर आओ, मेरी कसम है। मैं नहीं खिलाने की ना अपनी प्लेट में से आज। इन्हें पसंद ही नहीं है ऐसी ऐसी चीजें, इन्हें ना मैं पसंद, इन्हें ना मैं पसंद, ना ऐसी चीजें पसंद। कम बोल कम, लिमिट पर पार कर। मैं हमें इनसे बात नहीं करूंगी अब। आप क्या दे रही है? मैं आपके साथ चलूंगी घर। अच्छा ये तो मेरे साथ चलेंगे, ये किसे? नहीं इनकी कौन सा माँ बैठी है, इनकी तो हूँ मैं। ना ना यही तो बात है इसके अंदर। ना 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 अच्छा तुम्हारी पहले है बॉक्सिंग, तुम्हारी पहले हूँ इसकी बात में हूँ। मुझे आपने देखा ये एक प्रैंक वीडियो था, मतलब मैं प्रैंक कर रही थी लेकिन इसकी ना तो स्टार्टिंग हो पाई आप लोगों को बताकर। दो क्लिप बने हैं मुश्किल से। हुआ क्या कि मैं कल से सोची थी मम्मी के साथ कुछ प्रैंक करते हैं, एक से तो एक वाले प्रैंक की तो मम्मी विपिन से भी बात हो रखी थी कि ये वाला करेंगे, वो मैं और ये करने वाले थे मिलके। लेकिन मेरे अचानक से मन में आया क्यों ना विपिन को भी शॉक किया जाए, उनको भी डराया जाए। तो मैंने जो है किसी बात पे बहस शुरू की, फिर जो है हम दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद किया। फिर धीरे धीरे उस बात का मम्मी को भी पता चल गया, क्योंकि जब आप रोज़ बोलते हो मम्मी देखती है नॉर्मल सी चीज़ नहीं लग रही है आज, तो मम्मी को लगने लगा। मैं जान पूछ के लगवा भी रही थी, तो फिर क्या हुआ कि रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। जैसे एक प्रैंक वीडियो होता है आप देखते हैं दूसरे यूट्यूबर्स का, वैसे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कैमरा ऐसे ऐसे करके आप लड़ नहीं सकते हो। सामने बंदा बोलेगा फिर कैमरा ऑन क्यों है, शक हो जाएगा, बोलेगा झूठ है ये है वो है। अब वो चीज़ भी नहीं हो पा रही। अब मैंने एक दो बार सोचा कि मैं इधर फ़ोन रख दूँ और मैं जो है फिर करूँ, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि सेटिंग नहीं हो पा रही थी। मतलब तो सब कुछ जो है आप ये लगा लो कि खामोखा ही हो गया। और लास्ट में ये हुआ कि फिर मैंने जैसे तैसे करके किया जो कि आपने देखा। तो बस यही था जो कि सक्सेस तो हुआ, लेकिन आप लोगों के सामने नहीं हो पाया। तो पर मज़ा ये भी आया कि मैंने उन दोनों को बोला कि मैं ऐवें ही कर रही थी, मैं जान पूछ के कर रही थी, तुम दोनों के साथ प्रैंक था जिसमें मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी थी लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि रिकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते। अगर प्रैंक या तो फिर आपके साथ दो चार लोग और शामिल हों वो कर रहे हों। एक बार पहले भी कोशिश की थी, मैं गाड़ी में छुप गई थी और मैं सबको परेशान करने की। तो देखिए प्रैंक तो हो जाता है, सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है। मेरे साथ तो नहीं हो पाता है क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, करने वाली भी रिकॉर्डिंग करने वाली भी, तो बहुत ही मुश्किल से एक दो क्लिप निकल जाए। या तो आपके साथ दो तीन बंदे शामिल हो वो रिकॉर्ड कर रहे हो इधर उधर बैठ के जैसे तैसे फ़ोन को लेकर। तो वो मैंने जैसे तैसे दो क्लिप किए, तो भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, आगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि दो बार इनको पता चल गया है। बड़ा मज़ा आया छेड़ने में। चलो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।